हेलो, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं सारे लोग? मानव, विशाल, पारस, रिया, किशन, तनु, तुषार, मोनिशा, रंजीत, यासिका, सौरभ, दीप जी, बिट्टू जी, शिखा, आनंद, श्रेया, प्रभात, आशीष, मीठू जा, सुधांशु, किंशुक, सबका बहुत बहुत वेलकम है। पिछले क्लास में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे थे सभी बच्चों से। प्रभात, आशीष, हाँ सभी तो आ ही गए। रजत, विकास, बिट्टू, रिया। सर आवाज थोड़ी लो है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब ठीक है आवाज? तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट कंडीशन के हिसाब से। सीटिंग अरेंजमेंट को आपको देखना है। खुश रहिए सारे बच्चे। हाँ सर्कुलर कर देता हूँ सर्कुलर, फिर बता देता हूँ सभी बच्चों को, बता देता हूँ। तनिषी खुश रहो, प्रीति, किंसुक, सबको। तो सीटिंग अरेंजमेंट में जो दो तीन पॉइंट हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर समझा दूं थोड़ा सा, 2 मिनट। एक तो है सीटिंग अरेंजमेंट में हमको लाइन अरेंजमेंट है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, लीनियर अरेंजमेंट। दूसरा है सर्कुलर। लीनियर में या तो वन लाइन होगा, वन लाइन अरेंजमेंट, या टू लाइन अरेंजमेंट, ध्यान दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, नहीं, वहां भी चलेगा, अनएकेडमी पर भी क्लासेस चलेगी। आज चलेगी, आज 8 बजे, कल से एज यूजल जैसे 2 बजे दो बार चलती है, 5 बजे बाजी, वो भी चलेगी, सब चलेगी। आज शाम में थोड़ा बात करेंगे हम लोग। साउंड कम है? साउंड तो बहुत है, मैं देख लेता हूँ 100% है या नहीं है। साउंड 100% है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। ठीक है, सभी गुड हैं, साउंड कम है, आप आए ठीक थोड़ा। ठीक है। तो लीनियर अरेंजमेंट का 2 पार्ट है, प्लीज यहां पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए सभी बच्चे। दूसरा है लीनियर अरेंजमेंट में, ये दोनों पार्ट हमने करवा दिया था। सर्कुलर में बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा, थोड़ा सर्कुलर समझा के तब हम लोग आगे कुछ सवाल जवाब लेते हैं। जी परफेक्ट है साउंड। देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट में, देखो हमेशा मैंने बोला लीनियर अरेंजमेंट में एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, एक पॉइंट का जो सभी बच्चों को मैं बता चुका हूँ, लेफ्ट और राइट का हमेशा ध्यान रखिए। लेफ्ट और राइट, अगर लेफ्ट और राइट का ध्यान आप सही से नहीं रखोगे तब आपको तकलीफ हो जाएगी। अगर फेस डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो लेफ्ट और राइट, वन लीनियर में हम वन लाइन की बात कर रहे हैं, वन रो की, कि यदि आपको फेस डायरेक्शन इज नॉट मेंशन, आप अपने आप को बेस मानिए। अभी बता रहा हूँ, सवाल भी आ रहे हैं। आप अपने आप को बेस मानिए और बेस के हिसाब से आप लेफ्ट और राइट
जो आपका लेफ्ट है लेफ्ट है, जो आपका राइट है वो राइट है। दूसरा पॉइंट, जब हम दो लाइन में अरेंजमेंट करते हैं तो नीचे लेफ्ट और राइट है, ये मिरर है, तो ऊपर राइट और लेफ्ट। और यह भी बात हमने बताया था, साउंड तो यही है, साउंड तो इससे ज्यादा हो नहीं रहा है। चलो यहां पर देखो, आ रही आवाज सही से अब? जी साइंस, साउंड तो यही है, साउंड तो 100% यहां से दिया गया है। जी अगर आप दो रो में देखो, यहां पर ध्यान दीजिए, देखो यहां पर ध्यान से, अगर आप दो रो में करेंगे तो सबसे पहले आप जो है नीचे वाले रो को अरेंजमेंट करेंगे, और नीचे वाले रो के आधार पर आप क्या करोगे, वर्क करोगे पहले, क्योंकि आपका लेफ्ट लेफ्ट है राइट राइट है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सर्कुलर अरेंजमेंट की हम बात कर लेते हैं। ध्यान दो यहाँ पर, हाँ आज रात में क्लास है, जहाँ पर जो क्लास पहले से चल रहा है वो चल ही रहा है, आप चिंता ना करें, ध्यान रखिए यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट में, ध्यान दो यहाँ पर 8 बजे है, वहाँ पर आपको अनअकैडमी वाले बच्चों को वहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा स्केड्यूल में। आज थोड़ा सा आपसे भी पूछना है कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर आपको पहले और करवा दें, काम आपका हो जाएगा, फिर उसी के हिसाब से जल्दी जल्दी काम करना है। चलिए सर्कुलर अरेंजमेंट में दो पॉइंट का हम ऐसा ध्यान रखिए, केस फर्स्ट में देखिए, जो बच्चे पूछ रहे हो बार बार, ठीक है, फेसिंग द डायरेक्शन हम रात में बात करेंगे इस पर, टुवार्ड्स दी सेंटर। देखो ध्यान से, लेफ्ट और राइट का ध्यान हमेशा आपको रखना है। गुड इवनिंग वेद प्रकाश जी, अगर कोई सर्कल पर हो यहां पर देखिए प्लीज, सवाल लेना है, फिर ये चार चौकड़ी के लोग जो है इस डायरेक्शन में ताश पीट रहे हैं, ताश, लेफ्ट और राइट देखिए, जो चल रहा है फंक्शन सेट थ्योरी में वही चलेगा। अनअकैडमी वाले रात में मिलोगे, हम रात में बात करेंगे, अभी यहां पर देखिए ध्यान से, यहां बहुत सारे बच्चे दूसरे जगह के भी हैं, कंफ्यूजन नहीं हो। तो यदि आप टुवार्ड्स दी सेंटर, मान लिया जाए आप इस पोजीशन पर हैं, देखो ध्यान से, यहां पर आप बैठे हो, इधर लेफ्ट हुआ, इसके इधर लेफ्ट हुआ, इसके इधर लेफ्ट हुआ, ध्यान दो, इसका मतलब है ये हुआ क्लॉकवाइज। तो यदि आप सेंटर, चारों तरफ सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है बता रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है इधर देखो, इस साइड में, इधर इधर इधर, इस साइड में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में राइट होगा। अरे बात क्लियर हो रहा है लेफ्ट राइट का? जब आप सर्कल में कोई चीज रखोगे सर्कल में, तो लेफ्ट और राइट का ज्ञान आपका सही होना चाहिए, जस्ट लाइक वॉच।
जी, जस्ट लाइक वॉच, कि लेफ्ट डायरेक्शन में इस साइड हो गया जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर। अगर मान लिया जाए इसको हम ए मानते हैं, ध्यान दो, बी मानते हैं, सी मानते हैं, डी मानते हैं, तो लैपटॉप अगर हम ए बोले, सेकेंड लैपटॉप है, तो लेफ्ट जब भी चलेंगे इस डायरेक्शन में चलेंगे, सेकेंड लेफ्ट का मतलब वन टू सी होगा, सेकेंड लैपटॉप है सी, सेकेंड राइट ऑफ है तब भी सी है इधर से भी, फर्स्ट लैपटॉप है डी, सॉरी बी, फर्स्ट राइट अगर आपको बोले तो डी, बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, ध्यान दो, यहाँ पर टुवार्ड दी सेंटर है, आपको बताना है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ध्यान दो यहाँ पर, ये टुवार्ड्स दी सेंटर है, इस साइड लेफ्ट और इस साइड राइट। तो जब आपका कहेगा थर्ड लैपटॉप है, तो आपको इस डायरेक्शन में चढ़ना होगा, वन टू थ्री डी होगा, थर्ड राइट ऑफ है तो इधर चलना होगा, वन टू थ्री एफ होगा, तो लेफ्ट और राइट का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्लियर है सबको? क्लियर टू ऑल, सभी बच्चों को? लेफ्ट राइट पकड़ लोगे? गिनती, जिस आदमी, कोई भी आदमी का बोले ए के लेफ्ट में बी है, बी इज द लैपटॉप है, ध्यान दो, बी इज द लैपटॉप है, तो आप क्या करोगे, पहले ए का पोजीशन फिक्स कीजिए, लेफ्ट का मतलब है इसके इधर चलेंगे, कब, जब टुवार्ड्स दी सेंटर होता, तो सबसे पहले जी लेफ्ट और राइट, जी लेफ्ट और राइट का नॉलेज होना चाहिए आपको सही से, लेफ्ट और राइट का, तो जब टुवार्ड्स दी सेंटर है तो लेफ्ट और राइट का नॉलेज आपका सही होना चाहिए। अगर है फेसिंग, नहीं शुभम, सेकेंड है जी, सेकेंड पॉइंट, फेसिंग अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ सेंटर, ध्यान दो, फिर चार आदमी को रखिए, जी सर होगी, जो जहां पर जैसे है वैसे ही होगी, इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, टॉपर के भी बच्चे हैं, अनएकेडमी के भी बच्चे हैं, टॉपर के जैसे क्लासेस चलती है वैसे चलेगी, यूट्यूब पर नहीं चलेगी, अनएकेडमी वाले की जैसे क्लासेस होती है वैसे ही चलेगी, जब यूट्यूब पर होगा तो आपको बोल दिया जाएगा कि कितना बजे यूट्यूब पर होगा, नहीं तो स्केड्यूल जो दिया हुआ उसके आधार पर आप देख लीजिए, बार बार मत पूछिए की बात, इसे कंफ्यूजन होगा दोनों बच्चों में। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, देख लीजिए इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में मान लिया जाए आप यहां पर बैठे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, मान लेते हैं आप ए सी है, देखिए टुवार्ड्स दब्ज रहेगा सेंटर, अपने आप को ए के पास पाइए, आप अपने आप को ए पर फिक्स कीजिए, तब लेफ्ट राइट, आप यहां पर मानिए इधर आपका लेफ्ट होगा, देखो अब लेफ्ट किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज लेफ्ट डायरेक्शन, और इधर जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन
ये हो गया जी राइट डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द राइट डायरेक्शन। राइट और लेफ्ट का नॉलेज आपको सही होना चाहिए कि आप सेंटर के अपोजिट हैं या सेंटर के तरफ हैं। सेंटर के अपोजिट या सेंटर के तरफ है, उसके आधार पर आप लेफ्ट और राइट को डिसाइड करोगे। तो लेफ्ट और राइट का जब तक नॉलेज आपको सही नहीं हो, काम आपका नहीं होगा। क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर है? एक सवाल है आईसीआई का बुक, सभी बच्चे निकालिए। फिर सवाल ही भी हम लेते हैं। एक सर्कुलर का पहले बता दूं, सिटिंग अरेंजमेंट सभी बच्चे निकालिए। देखिए निकालिए। एक सवाल मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 लिखिए पहले। एग्जाम्पल 9 के बाद फिर हम सवाल लेते हैं जो आप पूछेंगे, और कुछ सवाल जो गलत है उसको सुधार भी करवा देंगे। कहता है फोर लेडीज ए बी सी डी एंड फोर जेंटलमैन ई एफ जी एच आर सिटिंग इन ए सर्कल अराउंड ए टेबल फेसिंग ईच अदर। फेसिंग ईच अदर है। कितना पर्सन है? चार लेडीज और चार जेंटलमैन। कहता है नो टू लेडीज एंड जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई फेसिंग डी। सी और डी आमने सामने। आमने सामने कैसे भी लिख सकते हो। और यह कहता है जी और ई के बिटवीन है, इसके लिए एक फिगर और बन सकता है। ऑल पॉसिबिलिटीज को लिखिए। सी के सामने डी, आप कहीं भी रख लीजिए। सी के सामने डी, इधर भी हो सकता है, जी इधर भी हो सकता है। जितनी पॉसिबिलिटीज है उतनी पॉसिबिलिटीज बना लीजिए। एफ इज बिटवीन डी एंड ए फेसिंग जी। एफ जो है फेसिंग जी है, डी और ए के बीच है। यहां पर क्या हो गया? जी के फेसिंग यहां पर क्या है जी? एफ है, और यह ए और डी के बीच है। डी तो फिक्स है, ए और डी के बीच है। जरा ध्यान दीजिए। एच इज टू द राइट ऑफ बी। लेफ्ट राइट का ज्ञान देखिए। फेसिंग टुवर्ड इधर है, इस साइड लेफ्ट और इस साइड राइट। यहां भी साइड लेफ्ट और इस साइड राइट। एच इज टू बी राइट ऑफ बी। तो राइट जब भी बी के राइट है, तो बी का पोजीशन यहां होगा अगर इस पोजीशन में आते हैं, और एच यहां होगा।
क्योंकि राइट का मतलब है इस डायरेक्शन में जाना, यह चीज द राइट ऑफ बी, और यहाँ यह चीज द राइट ऑफ बी, तो यहाँ पर बी एच आएगा चूंकि इस डायरेक्शन में जाएंगे क्लॉकवाइज। राइट का मतलब है बी से हमेशा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। बी को पहले फिक्स कीजिए, निशान जी खुश रहिए। अब ये दोनों में से कौन होगा यह बात ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि नो टू लेडीज, लेडीज कौन है? ए बी सी डी एंड जेंटलमैन आर सिटिंग टुगेदर। यहाँ पर जी और एच जेंटलमैन है जो एक साथ बैठे हुए हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटीज आपकी नहीं होगी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज आपकी नहीं होगी। अब ये वाला आ गया, इसके आधार पर जवाब दीजिए। हुई सिटिंग लैपटॉप है, तो ए के लेफ्ट बोलेगा, लेफ्ट का मतलब इधर। क्लियर है? ही इज फेसिंग होम, ई के फेसिंग एच है। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के इमीडिएट नेबर कौन है? बी एंड एच। क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल जी? इमीडिएट नेबर, क्लियर हो गया बात? इमीडिएट नेबर ऑफ बी बोल रहा है, तो इमीडिएट नेबर ऑफ बी जी एंड एच दोनों होगा, दोनों साइड इमीडिएट नेबर। अब सवाल पूछिए, जो सवाल आप बना रहे थे 11 नंबर सवाल में, एक सुधार कर लीजिए एक्सरसाइज में। अठारह से बाईस, चलिए 18 से 22 की बात हम बता देते हैं। अभी 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 आ रहे हैं, आ रहे हैं एक एक करके। चलिए ध्यान से एक एक करके। टेन स्टूडेंट ए टू जे, आ रहा हूं सभी बताता हूं भाई। फेसिंग है जी, फेसिंग वेस्ट, ये आपका ईस्ट या वेस्ट, क्वेश्चन नंबर है 18। वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग का मतलब क्या हुआ? ऐसे लाइन रखिए, आपका क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ध्यान दीजिए, वेस्ट डायरेक्शन में राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। राइट और लेफ्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए पहले, ध्यान दो। बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन द आइदर ऑफ द एजेस, बी और एफ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए, जी सिटिंग लेफ्ट टू डी, जी जो है वह क्या कहता है, लैपटॉप डी है, तो जी इधर होगा डी इधर होगा, दूर दूर लिखिए। जी नीचे होगा डी ऊपर होगा, कहाँ होगा पोजीशन देखते हैं। लेफ्ट का मतलब यहां पर क्या लिखा है कि जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, तो जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी।
एन एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे। चलिए हम जे मान लेते हैं, एच ऊपर हो गया, रहने दीजिए, देखते हैं क्या क्या होता है। बीच में अगर कोई और पोजीशन आएगा, बीच में थोड़ा गैप गैप लगी है, कि डी के लेफ्ट में जी होगा, जे के राइट में होगा एच होगा, देयर आर फोर पर्सन बिटवीन ई एंड ए। चलिए आगे देखते हैं, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, ये देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी एंड एफ इज द साउथ ऑफ डी, देखिए साउथ है, एफ इज द साउथ ऑफ डी, हमने इधर लिखा एफ इज द साउथ ऑफ डी। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, अभी बी का पोजीशन क्लियर नहीं हुआ। जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे जो है वह ए और डी के बीच में है, ध्यान दीजिए। और जी इज बिटवीन ई एंड एफ, यहां पर अगर एफ है तो एक पॉसिबिलिटीज होगा कि जे इज बिटवीन ए एंड डी, डी है यहां पर, जे इज बिटवीन ए एंड डी, तो ए आपका यहां पर हो गया, ये बात क्लियर है। जे इज बिटवीन ए एंड डी, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, एफ अगर यहां पर है क्लियर, तो जी इज है, तो जी यहां पर हम लिख दें, ई यहां पर लिख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर एक बात और भी बोल रहा है, ई और ए के बीच, नहीं गड़बड़ हो गया, डी जी ए, जी क्या लिखा हुआ है, ओ ये ऊपर वाला है गड़बड़, देखिए जी क्या लिखा है, जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी है, थोड़ा फिर से ध्यान दीजिए एक बार, इधर बना रहा हूं, इस साइड, इस साइड, बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग आइदर साइड, तो बी और एफ यहां तो हो नहीं सकता, ये बात क्लियर है। जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, एच इज सिटिंग, एच इज सिटिंग यहां पर दिया हुआ है राइट ऑफ जे, देयर आर फोर पर्सन बिटवीन ई एंड ए। चलिए देखते हैं, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, एंड एफ इज द साउथ ऑफ डी, एफ इज द साउथ ऑफ डी, एफ इज द साउथ ऑफ डी, इधर हो गया साउथ, तो जस्ट साउथ हम लिख देते हैं, एफ इज द साउथ ऑफ डी। जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे जो है क्या है, ए एंड डी के बीच में होगा, इसका मतलब यह हुआ कि जे अगर ए एंड डी के बीच में है, तो यहां पर ए लिख लो, यहां पर एच ऊपर कर दीजिए, इसके बीच में आएगा यहां पर, क्योंकि उसके हुआ क्या होगा, राइट होगा। फिर आगे पढ़िए, जे इज बिटवीन जी इज इन द ई ऑफ एफ, यहां पर एफ है, जी इज इन ई एंड एफ, ये आपका मतलब ही यहां पर हो गया, क्लियर हो गया।
अब देखिए ई और ए के बीच 4% होना चाहिए, 4% हो गया। अब इसके बीच लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऊपर पढ़िए, ऊपर लिखा हुआ है कि देयर आर 4% बिटवीन ई एंड ए, तो ई और ए के बीच 4% हो गया। इसका मतलब है अब इसके बीच कोई नहीं आ सकता। अब आगे बढ़िए पॉइंट, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, एफ इज द साउथ ऑफ डी। एफ इज द साउथ ऑफ डी का मतलब हो गया, हाँ एफ इज द साउथ ऑफ डी तो हो ही गया। जे इज बिटवीन ए एंड डी, ये भी हो गया। जी इज ई एंड देयर इज 2% बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच 2% है। अब देखिए कहाँ कहाँ प्लेस बचा, वन पोजीशन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया। अब कहता है कि एच के और सी के बीच 2% होना चाहिए, एच और सी। अब देखो यहां पर एच है जी, सी यहां लिख दीजिए। 2% कौन कौन है, 2% अब कौन बचा हुआ है, एक आई बचा हुआ है, एक बी बचा हुआ है, और आई क्या लिखा है नॉर्थ ऑफ बी है, तो नॉर्थ ऑफ बी का मतलब आई इधर होगा, बी यहां पर होगा। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, सॉरी आई आई ऊपर होगा, बी नीचे होगा, और यहां पर एच और सी बदल सकता है। यहां पर ध्यान दीजिए, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, आई ऊपर है, एच और सी, तो देखो एच और सी के बीच 2% है, तो एच यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चौथा पॉइंट नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, फिर से एक बार फिर से लीजिए। कहता है बी और एफ जो है साइड में नहीं होगा, तो बी और एफ यहां तो नहीं होगा। जी सीटिंग लेफ्ट ऑफ डी, देखिए ऊपर राइट है नीचे लेफ्ट है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। थोड़ा बड़ा मैं बनाइए, जी सीटिंग लेफ्ट ऑफ डी, तो जी सीटिंग लेफ्ट मैंने इधर चलोगे तो लेफ्ट, तो जी सीटिंग है जी लेफ्ट ऑफ डी का मतलब है डी यहाँ हुआ, जी यहाँ हुआ। थोड़ा बीच में गैप दीजिए, बीच में अगर कोई आ सकता है तो आ सकता है, जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, हाँ इंटरचेंज हो सकता है। जी सीटिंग लेफ्ट ऑफ डी, एच इज सीटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच इज सीटिंग राइट ऑफ जे, तो जे यहां लिख लो राइट है ऊपर। बीच में गैप तो देते हैं कि कोई और कंडीशन है तो बीच में लिख सकते हैं। ई और ए के बीच है जी, ठीक है चलिए। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, तो जहां बी होगा उसके ऊपर आई होगा, ये बात क्लियर है, बी का पोजीशन अभी क्लियर नहीं है। एफ इज द साउथ ऑफ डी, एफ इज द साउथ ऑफ डी, देख लीजिए ध्यान से। जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे ए और डी के बीच में है, तो ए यहां पर हो गया। जी इज इन ई एफ एफ, ई और एफ के बीच जी है, और ई और ए के बीच 4% होना चाहिए, 4% हो गया। अब कितने परसेंट का हो गया अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 का, 2% यह बचा हुआ है। आई है जी नॉर्थ बी सी, तो सी के जगह एच, और एच के जगह जो है सी हो सकता है, बस हो गया 10%। क्लियर हो गया बात सबको, अब जवाब दे दोगे सब, 18 से 22, क्लियर टू ऑल।
बीच में जो जिसके लेफ्ट राइट है लिखते जाओ, बीच बीच में जो कंडीशन है बीच में क्या है फिलअप करते जाइए, थोड़ा बीच में गैप रखो। और एक बात बता दूं, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, अगर ऐसे सवाल पूछे जाएं, हो सकता है कि चार के चार नंबर इसी सवाल से हो, इसमें चार अलग अलग क्वेश्चन आपको देगा, इसी में चार क्वेश्चन आपको एक साथ पूछ लेगा। हाँ तो उसी हिसाब से पॉसिबिलिटीज भी दिया रहेगा ना, अगर एच और सी के बीच में पूछ रहा है कि कौन कौन होगा तो आई और बी होगा। और अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा सवाल पूछेगा इंटरचेंज होने से, तो वैसी पॉसिबिलिटीज आपको दिया रहेगा भाई। ठीक है, और कोई सवाल? ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है, अभी समझा देता हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 यहां देखो, यहां देखो 11 में यहां बिलो के जगह अबव होगा। 11 में सुधारिए, बिलो के जगह यहां पर अबव होगा। सर 7th प्लेस पर डी है, कौन वाला सवाल? हाँ, काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट इधर है राइट इधर है मुनमुन, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, एच और सी, देखो डी नंबर होगा आंसर। क्या बात करते हो, मैडम सर से डांट पड़ी होगी? नहीं, वह डांटती भी है तो प्यार सी, प्यार से ता अजी सुनते हो जी। सिक्स पर्सन एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग इन टू रो। चल यहां देख ध्यान से, कौन नंबर? 8 नंबर। कौन नंबर बोला है? 7, 7 बता रहा हूं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7, 13 से 17 आसान है बता रहा हूं। कहता है 6 पर्सन एम एन ओ आर पी क्यू है जी, 2 रो में बैठा हुआ है। दो रो में बैठा हुआ है, या लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट और नॉर्थ साउथ कहेगा तो उसी हिसाब से, इन फ्रंट ऑफ क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर।
पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, अगर मैं नीचे में रखूं, पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, देख लीजिए ध्यान से, नीचे वाले को मैं भर रहा हूं, P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगनली अपोजिट टू P, ये डायगनली अपोजिट ऑफ Q है, P है, ये डायगनली अपोजिट है, इसके नेबर है जी Q, एन इज द नेबर ऑफ आर, बाकी कौन बच गया, एम, हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, एन के इन फ्रंट में पूछ रहा है, एन के इन फ्रंट में क्या होगा, क्यों होगा, क्लियर है, अंशिका 20, अभी 20 में ही पड़े हुए हो, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई का इमीडिएट नेबर कौन होगा, सी और बी, तो सी बी है तो चलेगा, बी एच ए एच, आई के इमीडिएट नेबर बी होगा, सी और एच में से एक होना चाहिए था, 20 का क्या आंसर दिया, 20 का डी, इसमें से कोई नहीं है, सही तो दिया है, तो कंडीशन नहीं पूरा हो रहा है, इमीडिएट नेबर या तो होगा बी सी या एच में से कोई हो सकता है, तो कान डिटरमिनेंट सही बोला है, इमीडिएट नेबर कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी, हो सकता नहीं, इमीडिएट नेबर का मतलब है कि आप क्लियर बता सकते हैं, जैसे डी के इमीडिएट नेबर है जी और एफ, तो या तो फिर वैसे पॉसिबिलिटीज दिया हुआ रहे, वैसे पॉसिबिलिटीज होगा तो अब नहीं है तो कांट डिटरमिन कर दीजिए, ए टू एच सीटेड 13 से 17, यह भी मैं ही बता दूं, हाँ तो ऐसा नहीं पॉसिबिलिटीज है ना, ऐसी पॉसिबिलिटीज आपको दिया हुआ नहीं है, तो कैसे करोगे, तो डी लिखोगे, फाइव चिल्ड्रन इज सिटिंग इन ए रो, वन टू थ्री, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, ये लेफ्ट है राइट है, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, आर है एक्सट्रीम लेफ्ट, के सिटिंग नेक्स्ट टू आर, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, अच्छा जी, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी,
आंसर क्या दिया हुआ है 10 का? ठीक तो दिया है, पी एंड टी एडजेसेंट का मतलब दोनों साइड। क्या हो गया दिव्या बोलो? कौन क्वेश्चन दीपेंद्र? नेक्स्ट का मतलब हुआ, इसके नेक्स्ट का मतलब इधर लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है, आज तो चैप्टर खत्म हुआ है क्वेश्चन करने में टाइम। रजत गोयल 23, ये सवाल गलत है 23। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन गलत है, इसका कुछ नहीं कर सकते, बहुत गलती है 23 में, तो 23 भूल जाओ। 13, ए टू एच आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। जी एकदम अवॉइड कर दीजिए। फेसिंग नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 पर्सन है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, फेसिंग नॉर्थ का मतलब लेफ्ट इधर है राइट इधर है। सी सिटिंग फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, सी सीट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। जहां भी जी होगा सी होगा, 1 2 3 4 सी यहां होगा, 1 2 3 4 सी और जी के बीच 4 प्लेस हो गए। यहां पर ध्यान दीजिए, लेफ्ट और राइट का नॉलेज, सी सीट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, तो जहां जी होगा फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4। चलो चलो उसके बाद देखते हैं। डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, एक डी, डी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी,
ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच दो पर्सन होना चाहिए। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बी और एफ इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एच इज नॉट नेबर ऑफ डी। ठीक है जी, कहता है कि सी सीट फोर्थ लैपटॉप जी, 1 2 3 4, डी सीट सेकेंड राइट है। ठीक है डी, ओनली टू बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच दो पर्सन होना चाहिए थे, एक दो हम मान लेते हैं यहां पर है। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई, बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एफ यहां पर बी यहां पर कर दो, सॉरी बी, सॉरी एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, तब बच गया यहां पर कौन कौन बच गया, ए बी सी, सॉरी ए बी सी डी, एच यहां पर होगा, बच गया ई। क्या लिखा हुआ ई के बारे में, कुछ लिखा हुआ है, डी एंड ए, डी और ए के बीच होना चाहिए, यहां पर ही हो गया। एस सी बी एफ ए जी ई डी, बाकी सवाल का जवाब आप दे दीजिए। क्लियर है, ये सारे सवाल हो गए, अनएकेडमी वाले को मिलते हैं रात 8 बजे और टॉपर वाले को मिलते हैं कल। ठीक है जी, रिया गौतम 10 बता तो दिया, 10 10 नंबर हो गया था। ओके थैंक यू, कल मिलते हैं।